हेलो एवरीवन, वेलकम टू यट अनदर वीलॉग। आज डे 7 है हमारे मंचारी पकौड़ा ट्रिप का। रात को 6 बजे हम लोग नानी के यहाँ पहुँचे, फिर आज सुबह हमको निकलना पड़ रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं चांद, और वो चांद की रोशनी वो वहाँ पे स्नोकैप माउंटेंस पे, तो वो है पंचाचूली। अनफॉर्चुनेटली हमको अभी निकलना पड़ रहा है, तो 5:30 बजे हमारी टैक्सी है जिससे कल हम आए थे, महिंद्रा बोलेरो, और सेम ड्राइवर है जिस गाड़ी से हम लोग कल आए। तो यहाँ पे सड़क देखिए कैसी है, हाँ ब्रेकफास्ट के बैठ रुके हैं यहाँ पर। एक और पैसेंजर है वाले, इसने इतनी उल्टी की बिना खाना खाए ना। क्या नाम है बताओ? हैं क्या अनु? अनु बन गया क्या? अभी शाम के 5 बज रहे हैं, हम लोग पिथौरागढ़ वापस पहुंच गए हैं। हम लोग 11:30 बजे सुबह पहुंच गए थे, और उसके बाद खाना वाना खाया, मैं थोड़ी देर सो गया था क्योंकि पिछली रात में ज़्यादा सो नहीं पाया था। तो मुंशारी का ट्रिप बहुत ही शॉर्ट रहा, हमारा काफ़ी ही बड़ा प्लान था मुंशारी को लेके, बहुत सारे प्लेसेस कवर करने थे मुंशारी में, बट वो सब नहीं हो पाया। बट दैट्स ओके आई गेस नेक्स्ट टाइम। सो अभी मैं और रूपा पिथौरागढ़ मार्केट घूमने जा रहे हैं गुड्डू की स्कूटी लेके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। कौन सा मार्केट? मार्केट क्या देखना है हमने? ये है, ये गया। बाप रे, देखो कितना खतरनाक गया है। लग रहा वही रास्ता था, वो खुल गया है। तो पिथौरागढ़ के पास एक गांव है पुनेड़ी, हम लोग परसों को वहाँ पे थे, तो वहाँ जाने का एक रास्ता है। अभी जो उत्तराखंड में फ्लड्स हुए थे वो वहाँ पे, उसके वजह से वो रोड ब्लॉक है। तो मैं और रूपा बस ऐसे ही यहाँ पे घूमते घूमते आ गए हैं। आज शाम को हमारे पास कुछ है नहीं करने को, तो वाले निकाल ले रहे हैं। हम लोग अभी सूप पियेंगे कहीं पे, तो उससे पहले हमने सोचा ऐसे ही घूम लेते हैं आसपास का एरिया। सब जगह ऐसी गिर रखी है ना रोड, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, अभी कभी भी गिर सकती है।
केजरीवाल घर की योजना के वजह से फिर घूमना चाबी दे दो। पिथौरागढ़ में जो है रोड ब्लॉक के वजह से वो जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती है ऑयल टैंकर्स वो नहीं आई हैं, तो इस वजह से पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो एक पेट्रोल पंप है उस तरफ इंडियन ऑयल का जहाँ पे पेट्रोल है, तो हम लोग वहाँ पे पेट्रोल भरने जा रहे हैं। और कल शायद रूट तो खुल गए हैं सारे, यहाँ से तीन रूट है पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाने के लिए। तो जो एक रूट है जो टनकपुर से होते हुए जाता है जिससे हम आए थे वो तो बंद रहेगा क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज है वो टूट गया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने वहाँ से वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही था डिटोर लिया था, वो जो था नदी के बीच से था, तो वो पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो वो तो एक्सेसिबल नहीं होने वाला। तो कल तक शायद पेट्रोल अवेलेबल होगा सारे पेट्रोल पंप में, बट हम लोग वी जस्ट वांट टू बी श्योर दैट अगर अभी हमको पेट्रोल मिल जाए तो सही रहेगा। तेल पे मारा मारी चल रही है, तो हमको सवेरे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक टेंशन बनी रहती सवेरे तक कि पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा।